इंटरमीडिएट साल अव्वल के जारी इम्तिहानात के दौरान हुकूमत के मुशीर और टीमरीज के सदर AK खान ने जुमेरात को सैदाबाद के 2 इम्तिहानी मराकज का मुआयना किया, जहां उन्होंने आसिफ नगर बॉयज और बहादुरपुरा गर्ल्स रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज के तुलबा से मुलाकात की। उन्होंने तुलबा से COVID-19 के चलते किए जाने वाले एहतियाती इकदाम और तालीमी उम्र से मुतालिक सवाल किए। उन्होंने बताया कि टीमरीज तुलबा के तालीमी फरोग और उन्हें CA, LSAT, MSAT, IIT और NEET के इम्तहान के लिए कोचिंग देने की पाबंद है। सेक्रेटरी टीमरीज बी शफीला ने बताया कि 80 अखलती अकामती जूनियर कॉलेजों के 4383 तलबा इंटर साल अव्वल के इम्तहान में शिरकत कर रहे हैं। अकामती कॉलेजों में मुखिम तलबा को खाने पीने की तमाम तरह सहूलियात फराहम की जा रही हैं। टीमरीज के तलबा जो इंटरमीडिएट में हैं, वैसे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर इनका प्रमोशन तो हुआ है, मगर फर्स्ट ईयर के इम्तहान अब चल रहे हैं इनके, तो ये इम्तहान किस तरह से इसको फेस कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनसे डायरेक्टली बात करके इनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग थोड़े सेंटर्स देखने के लिए आए थे। अभी यहाँ सैदाबाद एरिया में जो बहादुरपुरा गर्ल्स के स्टूडेंट्स एक सेंटर पर एग्ज़ाम लिख रहे थे, उनसे मुलाकात करने के बाद यहाँ आए हैं। यहाँ पर आसिफ नगर बॉयज़ 1 वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इधर आज मैथमेटिक्स और जुआलॉजी और जो BPSC स्ट्रीम और मैथमेटिक्स NPSC स्ट्रीम के लिए एग्ज़ाम्स हुए हैं। जहाँ तक मैं जायज़ा लिया हूँ इनका कि बच्चे अच्छी तरह से लिख रहे हैं इम्तहान, हौसला भी बहुत बुलंद है इनका। मैं समझता हूँ कि अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे GPA के साथ ये क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट ईयर में, और सिर्फ 2 इम्तहान बाकी हैं, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। मैं समझता हूँ कि वो इम्तहान भी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे उसमें और अच्छे ग्रेड के साथ क्वालिफाई करेंगे। हमारा मंशा ये है कि सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं है, सेकेंड ईयर इम्पॉर्टेंट होता है, सेकेंड ईयर के बाद में NEET या MSAT जो भी स्ट्रीम में ये इम्तहान लेते हैं उसमें अच्छी तरह से मार्क्स के साथ जाना चाहिए। अगर कोई प्योर साइंसेस में भी जाना चाहें या ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज भी करना चाहें ग्रेजुएशन में, उनके लिए भी एक फाउंडेशन, अच्छा एक फाउंडेशन यहाँ पे बनता है इंटरमीडिएट में। टीमरीज के जानिब से तो जितना सपोर्ट देना है, और चाहे अच्छे लेक्चरर्स हो या क्लासेस या स्टडी मटेरियल, वो सब फराहम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कामयाब होंगे बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ, और क्योंकि अभी पहले पहले बैचेस निकल रहे हैं टीमरीज से इंटर के, तो इनको अच्छी तरह से कामयाब होना, ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कौम के लिए हो या स्टेट के लिए। इसी मकसद के साथ टीमरीज कायम हुई थी। मैं समझता हूँ कि जो मकसद के साथ ये टीमरीज चल रही है उसमें भरपूर कामयाबी मिलेगी और इनका मुस्तकबिल और इनका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा।